नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप और आप हमारा खास कार्यक्रम चर्चा में के बाद देख रहे हैं और इसको लेकर हम अमरपुर विधानसभा क्षेत्र के गरीबपुर पंचायत के संग्रामपुर गांव में अल्पसंख्यक समुदाय के बीच हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जनता जो है यहाँ की संग्रामपुर की जो जनता है वो हमारे साथ हैं। युवा वर्ग के लोग हैं, युवा भाई हैं और हमारे साथ बुजुर्ग लोग हैं। खासकर इनका अनुभव क्या है और खासकर युवा वर्ग क्या चाहते हैं उसको लेकर बातें होगी और बातें यह भी होगी चर्चा में केवा यानी यहाँ से अमरपुर विधानसभा क्षेत्र से गरीबपुर पंचायत से किन प्रत्याशी, कौन से प्रत्याशी चर्चा में है। फिलहाल वर्तमान के जो यहाँ के विधायक हैं उनकी उनकी बात कर लेते हैं। उनकी जो कार्यशैली रही है अभी तक की 5 सालों का हिसाब जो रहा है वो जनता क्या सोचती है तो उसी को लेकर पहले बात करेंगे। आपके जो वर्तमान के जो विधायक हैं वो जदयू के हैं और जनार्दन मांझी हैं। 5 साल का उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है, चुनाव होने की तैयारी चल रही है, सुगबुगाहट तेज हो गई है, आधिकारिक रूप से चुनाव की तिथि की घोषणा की गई है। लेकिन आपके क्षेत्र में जो वर्तमान के विधायक हैं उनके 5 साल के कार्यकाल की जो कार्यशैली रही है क्या उससे खुश हैं? नहीं, उससे खुश नहीं है, उससे खुश नहीं है, उसको आप रखेंगे भी नहीं। हम लोग नया चाहते हैं। नया चाहते हैं, नया में कौन? नया में अब जो सामने आ जाएगा नाम, जिसका भी समझ में सामने, तो आखिर सोचना तो डिसाइड तो करना ही पड़ेगा क्योंकि चुनाव की तो आ ही गया है। लगभग प्रत्याशी लोग जो आपके यहाँ से हैं तो सब कहीं अभी कोई नहीं हुआ है? नहीं, अभी तो अभी घोषणा नहीं हुई है, अभी टिकट की जो है ना कोई ऐसी जो है प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि चर्चा किन की हो रही है? चर्चा ज्यादातर है आरजेडी का, आरजेडी के प्रत्याशी। ऐसा आपको क्यों लगता है कि आरजेडी के जो प्रत्याशी होंगे वो क्षेत्र में विकास करेंगे, ऐसा क्यों लगता है आपको? इसलिए कि पहले वो काम किया है और फिर काम करेंगे, ये भरोसा है उसको। युवाओं के बारे में क्या कहते हैं? पार्टी का हो लेकिन युवा प्रत्याशी हो तो उनके बारे में क्या सोचते हैं? वो अब युवा लोग ही बता सकते हैं उसके बारे में। बारी भी आएगी सर। नहीं नहीं, आप वक्तव्य अपना रखिए, इसमें कोई वो चीज नहीं है। नहीं नहीं, अपना विचार रख सकते हैं आप कि क्षेत्र में जो आपके विधायक हैं वर्तमान के, उन्हें उन्होंने जो काम किया है उनके काम से संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है। यहाँ रोज मर्डर हो रहा है, रोज बोलने वाला कोई नहीं होता है। अभी यहाँ पे मर्डर हो गया, एक माह मर्डर हो गया, अभी एक महीने के अंदर में 3 मर्डर हुआ है और देखने तक नहीं आए, यहाँ तक कि पुलिस कर्मचारी भी नहीं देखने आते हैं। जिसका बाल बच्चा मर गया कोई पूछने वाला? क्या सोचे हैं? बदलाव तो होना ही चाहिए ना। चर्चा में कौन? चर्चा में वो आरजेडी नेता है। और आरजेडी नेता आपकी उम्र 70 वर्ष की जो उम्र हुई है इसमें तो आपने बहुत सारे बदलाव देखे होंगे। खासकर हमको लगता है इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री बनी होंगी वो ख्याल आता? बिल्कुल, हाँ। कितना बदलाव आया है वर्तमान की जो राजनीति आप देख रहे हैं और आप जब ने अपनी राजनीति देखी यानी खासकर इंदिरा जी के समय की राजनीति, तो क्या बदलाव क्या आया है? हमको लगता है बदलाव कुछ नहीं हुआ, माही पर के माही पर। आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं उनकी कार्य से कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं उसको, यहाँ से जीत के गया खेल खत्म। बदलाव होगा। इनकी चर्चा की एकदम पूरा चौपट होकर के रखा है और विधायक जी तो आज तक आए नहीं, अगर आएंगे तो उसका हम लोग विरोध करेंगे और उसको हम लोग रपेटेंगे यहाँ से। आपने कहा कि महागठबंधन से कोई भी प्रत्याशी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर ऐसा क्यों ऐसा आपको लगता है कि इसकी जुमलेबाजी की सरकार है। पहले वो लोग NDA से अलग होकर के महागठबंधन के साथ वो चुनाव लड़े थे, हम लोग महागठबंधन के नाम पर उसको वोट दिए, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी DNA टेस्ट बोला नीतीश जी का खराब है, जिसमें के हमारे बिहार से बहुत सारे लोग बाल नाखून कटवा करके प्रधानमंत्री के पास भेजे थे। जब हमारे मुख्यमंत्री का DNA टेस्ट ही खराब था तो फिर जा करके NDA में वापस वो दोनों सट गए हैं।
इसलिए वो जुमलेबाजी की सरकार को हम लोग को उखाड़ फेंकना है और हमको फिर से महागठबंधन में जो भी कैंडिडेट होगा उसको हम लोग सपोर्ट करें। मेरा कहना है कि युवाओं को चांस मिलना चाहिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए, और युवा को जब मौका मिलेगा तो उसको मतलब समझ में आएगा कि शिक्षा पे ध्यान देना है, एजुकेशन पे ध्यान देना है और विकास पे ध्यान देना है। ये लोग जो लीडर है यहाँ पर के वो लोग बिल्कुल भ्रष्ट है। तो इस बार क्या बदलाव? बिल्कुल कौन चर्चा में आप जेडी है? हाँ बिल्कुल। चलिए युवा वर्ग भी जो है आरजेडी, नहीं नहीं बोलना सबको, सब नहीं नहीं बोलना आपको भी है, बोलना आपको ये बद, नहीं नहीं अच्छा अच्छा खैर छोड़, बदलाव होगा या फिर जो वर्तमान के हैं? देखिए बदलाव ये जो वर्तमान विधायक श्री जनार्दन मांझी जी हैं, तो तीन सबसे बड़ा अपने कार्यकाल में डिस्टर्बिंग किए हैं, जैसे महिला आईटीआई कॉलेज अमरपुर विधानसभा को मिला था तो आज बौंसी में उसका उद्घाटन हुआ है। दूसरी चीज कुलड़िया में एक कॉलेज का उद्घाटन हुआ था उसको भी लेके वो बौंसी चले गए, खासपुर एक पंचायत है उसी पंचायत में वो लेके चले गए। तो विकास की बात उसको अंडर मिली है मगर उसको इस्तेमाल सही से वो वर्तमान विधायक नहीं किए हैं। विकास मिला है तो उनको क्या है बदलाव होगा? होगा ये आने वाला समय बताएगा। बदलाव के लिए तो खैर आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा, अगर आपके अंदर बदलाव की परिवृत्ति है तो तैयारी पहले से। हाँ तैयारी बदलाव हो, बदलाव होगा, बदलाव होगा मगर सवाल कैंडिडेट युवा होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि कैंडिडेट युवा होना चाहिए जिसको सबसे युवा कैंडिडेट क्यों युवा? इसलिए कि कार्यशैली उसको क्षमता है काम करने की। इस बार कौन किस 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 पार्टी के इस बार के बदलाव? तो यहाँ तो गठबंधन और एनडीए में लड़ाई है। आप जैसे अमरपुर विधानसभा में जैसे श्रीमान राजीव जी है, मिथिलेश कुशवाहा जी है, मृणाल शेखर जी है, चार पांच आपके विधानसभाओं में हम तकरीबन दो दिन से हैं और बहुत सारे गांव में हम गए, वहां से जमीनी स्तर पर जो हकीकत बातें होती है वो हम रखते हैं, मृणाल शेखर की बातें होती है। जब भी हम आपके गांव में गए इधर पे तो मृणाल शेखर की जब बातें होती है, पिछली बार वो चुनाव हारे थे तो फिर इस बार वो चर्चा में है, ऐसा क्यों? देखिए मृणाल शेखर चर्चा में इसलिए है कि क्षेत्र में वो बने हुए हैं। इससे जब पिछला विधानसभा का रिजल्ट हुआ था तो उसके सात दिन के बाद वो क्षेत्र में वो हारने के बाद जो जनसंपर्क चला उसका वो काबिले तारीफ है। बाकी चुनाव का रिजल्ट जो हो अलग बात है, लेकिन बदलाव होगा। बदलाव होगा, क्या चाहते हैं बदलाव? मृणाल शेखर को आना आगे, और वो युवा नेता इसलिए हम लोग सपोर्ट करते हैं कि युवा नेता आगे आए और मृणाल शेखर हमारा विधायक बने। मृणाल शेखर की ऐसी क्या कार्यशैली आपको प्रभावित कर दी है जो आप चाहते? वो युवा है और वो कुछ करेगा। युवा होने का मतलब क्या होता है? युवा होने का मतलब वो हम लोग का वो समझता है, मतलब बूढ़ा विधायक बन गया है वो क्या करेगा, वो समझ में उसके कुछ आता है, वो मृणाल शेखर नया चेहरा आना मांगता है, वो आने वाला समय बता। और जिस क्लियर बात है सर, मत को क्लियर कर देना तो फिर वो मत नहीं ना रहा। नहीं, हम मत क्लियर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये जान रहे हैं कि चर्चा मेरा कार्यक्रम है चर्चा में के बा, ठीक है, तो चर्चा किन की हो रही है? चर्चा में चार पांच कैंडिडेट है, महागठबंधन से है, एनडीए से है, जैसे मृणाल शेखर है, मिथिलेश कुशवाहा है, राजीव कुशवाहा है, फिर कौशल सिंह रालोसपा के बहुत लोग है, यानी चर्चा में तकरीबन चार पांच लीडर है, और लड़ाई तो गठबंधन और एनडीए में ही होगा अंतिम लड़ाई। खासकर देखा जाए तो संग्रामपुर गांव में, गरीबपुर पंचायत का यह संग्रामपुर गांव है, और यहां से देखा जाए तो जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं, अच्छा ठीक है हम बात कर लेते हैं इनसे भी, चलिए ये व्यस्त हैं, चलिए हटाइए छोड़ दीजिए। खासकर यहाँ पे चर्चा में बात यह है कि जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं वो बदलाव की कगार पे हैं, वो जो है महागठबंधन की ओर जाएंगे, अगर युवा वर्ग बताना मुश्किल होगा कि पर्टिकुलरली चर्चा किनकी है। बहरहाल चर्चा में केवा में गरीबपुर पंचायत के संग्रामपुर गांव से जनता के